हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश की जनता पर आए दिन महंगाई का बोझ लादकर प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि आम आदमी को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था का विसर्जन ही कर दिया है। यह शब्द आज जारी एक वक्तव्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता चंदन पंडित ने कहे। आज इस पत्रकार वार्ता में आप सभी प्रेस के बंधुओं का हार्दिक स्वागत। आज मैं वर्तमान में प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है उसके जो राजनीतिक हालात हैं, इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा मीडिया बंधुओं के माध्यम से करना चाहूँगा। जिस प्रकार से 2022 के चुनावों में प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, परंतु पिछले 20 महीनों से अधिक के कार्यकाल में इस प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से प्रदेश की समस्त जनता पर महंगाई का बोझ प्रदेश की कांग्रेस की सरकार द्वारा आए दिन लादा जा रहा है, इससे प्रदेश की समस्त जनता जो है पूरी तरह से प्रताड़ित हो रही है। पिछले 20 दिनों में सीमेंट के दामों में 25 रुपए प्रति बैग तक की जो है एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी जो है वो प्रदेश की सरकार द्वारा की गई है। मैं आपको व प्रदेश की समस्त जनता को आपके माध्यम से यह ध्यान लाना चाहूंगा कि 2 अप्रैल 2022 को जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वर्तमान में प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हैं वो तत्कालीन जो है नेता प्रतिपक्ष थे, तो उस समय यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 रुपए की बढ़ोतरी जो प्रति सीमेंट के बैग में हुई थी तो उन्होंने यह बयान दिया था कि प्रदेश सरकार की मिली भक्ति के बिना यह इस प्रकार की जो बढ़ोतरी जो है सीमेंट के दामों में संभव नहीं है। और इस प्रकार से जो है प्रदेश ने आज जो ये सीमेंट की 25 रुपए प्रति बैग की जो बढ़ोतरी हुई है, प्रदेश की जनता उनसे प्रश्न करना चाहती है कि आज इस बढ़ोतरी में उनकी सरकार का और उनका कितना हिस्सा है। चंदन पंडित ने कहा कि प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस सरकार ने पिछले 20 दिनों के छोटे से अंतराल में सीमेंट के दामों में 25 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी कर प्रदेश की जनता पर आर्थिक बोझ लाद दिया है, जबकि वर्तमान में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में थे तब वह कहते थे कि प्रदेश में सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी सरकार की हिस्सेदारी के बिना संभव नहीं है, जो आज उन्हें प्रदेश की जनता को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सीमेंट के दामों में 25 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी में उनका और उनकी सरकार का कितना हिस्सा है। अपनी गारंटी में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस पहले तो पूर्व की जयराम सरकार द्वारा दी जाने वाली 125 यूनिट फ्री बिजली को बंद करती है और अब घरेलू उपभोक्ताओं से 10 पैसे प्रति यूनिट अधिक वसूलने की तैयारी कर चुकी है, जो कि प्रदेश की आम जनता के साथ सरासर धोखा है। परंतु आज प्रदेश के मुख्यमंत्री सत्ता के नशे में चूर होकर केवल और केवल अपने मित्रों व चहेतों का भला करने में व्यस्त है, जबकि उन्हें प्रदेश की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए कि जिन वादों व गारंटियों को लेकर वह सत्ता में आए थे आज वह उन्हें पूरा करने में असमर्थ है। मुख्यमंत्री हर मंच से प्रदेश के आर्थिक हालात खराब होने की बात कहते हैं, परंतु आज प्रदेश की जनता का टैक्स में दिया हुआ पैसा उनके द्वारा व्यर्थ में खर्च किया जा रहा है, जिसका जवाब उन्हें प्रदेश की जनता आने वाले समय में अवश्य देगी। इस अवसर पर भाजयुमो दंग मंडल महामंत्री नरेंद्र ठाकुर, उपाध्यक्ष विजय ठाकुर, सचिव सन्नी राव उपस्थित रहे।